नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज लेट थीटा डिनोट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन अ वर्टिकल प्लेन इफ द मास ऑफ द बॉब इज एम देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एम जी कॉस थीटा ऑप्शन है ऑलवेज नेवर एक्सट्रीम पोजिशन या फिर एट द मीन पोजिशन ना इसमें अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं कि मान लीजिए यह आपका एक पेंडुलम है जो लेटेस्ट से इस लोकेशन पे था और अब ये यहाँ पे आपका इस लोकेशन पे आया है लेट uh, से ये लोकेशन है और ये आपका मान लेते हैं इस तरह से ये आपके एक्सट्रीम पोजिशन हो गए इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक आपका एस एच एम कर रहा है ठीक है और लेट से बीच में कोई एक पोजिशन है जहाँ पे आपका थीटा uh, एंगल बन रहा है ना इसके अगर हम एफ पी डी तो एफ डी में uh, से हम कह सकते हैं नीचे एक फोर्स लग रहा होगा आपका एम जी और यहाँ पर आपकी एक टेंशन टी आएगी और टी के कंपोनेंट क्योंकि ये थीटा एंगल है तो ये वाला एंगल फिर आपका थीटा हो जाएगा टी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे सो so, टी के अच्छा इसमें टी के कंपोनेंट करने की वजह एम जी के कंपोनेंट कर लेते हैं ठीक है so, सो उसका रीज़न है तो ये आपका एम जी का इधर एक कंपोनेंट आएगा ये एंगल भी आपका थीटा होएगा ये कंपोनेंट होएगा आपका एम जी कॉस थीठा और ये कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में इसको ड्राइविंग फोर्स दे रहा है दैट विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीठा हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर इसका सेंट्रीपिटल एक्सलेशन अंदर की तरफ है सो so अगर हम इक्वेशन लिखें सिग्मा एफ नेट इज इक्वल टू एम ए सी इसी इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे न्यूटन के सेकेंड लॉ से ऐसे लिखें सो वी कैन से जो आपके uh, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है अंदर की तरफ है सो वी कैन राइट टेंशन टी माइनस एम जी कॉस थीटा विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दिस विल बी इक्वल टू एम ए सी को हम यहाँ लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर हाँ right? ये जनरल रिलेशन हम ड्राइव कर रहे हैं ठीक है सो इसका मतलब हो गया टेंशन को हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर नाउ ये आपकी टेंशन की इन जनरल वैल्यू है जो किसी भी थीटा एंगल पे होएगा नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे हमें या तो बताना है ऑलवेज नेवर या फिर एक्सट्रीम पोजिशन है मीन पोजिशन तो अगर हम देखेंगे एट मीन पोजिशन एट मीन पोजिशन थीटा की वैल्यू आपकी ज़ीरो होगी तो मीन पोजिशन पर जब आपका पार्टिकल यहाँ पर थीटा की वैल्यू ज़ीरो है यानी कि टेंशन एट मीन पोजिशन उसकी वैल्यू हो जाएगी एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर ये आपकी टेंशन की मीन पोजिशन पर वैल्यू हो जाएगी हैंस ये ऑप्शन तो आपका सही नहीं है आपके अगर बात करें एट एक्सट्रीम पोजिशन वहाँ पे आपकी v की वैल्यू जीरो हो जाएगी बिकॉज पार्टिकल वहाँ पहुँचा है और वो वापस आने के लिए तैयारी कर रहा है वहाँ पे आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो वहाँ पे टेंशन आपकी मैक्सिमम एक्सटेंशन पे उसकी वैल्यू हो जाएगी आप पे आपकी वैल्यू हो जाएगी mg जी कॉ सीटा टेंशन की वैल्यू हो गई सो हैंस आपका एट एक्सट्रीम पोजिशन दिस विल बी द राइट आंसर ऑलवेज आपका सही नहीं है नेवर ये भी आपका सही नहीं है एक्सट्रीम पोजिशन पर टेंशन आपकी एम जी कॉ सीटा होएगी आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया